नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोपअप राउंड के बारे में। जैसा कि मोपअप राउंड कई जगह पर स्टार्ट हो चुका है और कुछ जगह पर स्टार्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न थी इसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कि किन लोगों को इस पर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। जिन लोगों ने राउंड वन राउंड टू पर रजिस्टर कर लिया था, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अगर नए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन नहीं एलिजिबल है मोपअप राउंड के लिए, देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बता दूँ कि जो मोपअप राउंड होता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। और अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मोपअप राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, वो लोग कैंडिडेट्स हु हैव जॉइनड सीट्स इन राउंड टू ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट एलिजिबल। मतलब कि अगर आप लोगों ने राउंड टू में किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने सीट ज्वाइन कर ली थी, तो आप लोग मोपअप राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सीट वहाँ पर मिल गई थी और आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो आप लोग दोबारा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं मोपअप राउंड में। आप लोग को ऐसा आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर हम दोबारा अब यहाँ पर बात करें कि क्या आप लोगों को, अगर आप लोगों ने राउंड वन राउंड टू पे दोबारा रजिस्ट्रेशन की रजिस्टर कर लिया हुआ था, तो क्या आप लोगों को दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो राउंड वन राउंड टू था वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए था। तो अगर आप लोगों ने वहाँ पर रजिस्टर किया था, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जिन लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग में पहले रजिस्टर कर दिया था और जो सिक्योरिटी चार्जेस हैं वो पे कर दिए थे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उन लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जिन लोगों ने वहाँ पर राउंड वन राउंड टू में सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्टर किया था और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्टर नहीं किया था, तो उन लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।